गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर डूइंग द क्लास थर्ड वर्कशीट नंबर 2, विच इज द टॉपिक इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वर्ड्स. हियर ही वॉज गिवन सम फ्रूट नेम्स. बच्चों, आप सेकेंड क्लास में फ्रूट्स के नेम पढ़े, यहाँ पर थर्ड क्लास में वो हम रिकॉल कर रहे हैं. फर्स्ट क्या दिया यहाँ पर, मैंगो. मैंगो के स्पेलिंग तुम्हें पता है, एम ए एन जी ओ. यहाँ पर ए लिखिए और यहाँ पर ओ लिखिए. नंबर 2, ग्रेप्स. ग्रेप्स में जी आर ए, डैश में यहाँ पर ए और यहाँ पर ई लिखिए. इस तरह से नंबर 3, ऑरेंज, संतरा, पाइनएप्पल. इसके स्पेलिंग क्या है लिखिए, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, पपाई. इनके दरमियान जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो अल्फाबेट्स आते हैं यहाँ पर लिखिए. बनाना में क्या आता, एप्पल में क्या आता लिखिए. नंबर 7, वाटरमेलन. वाटरमेलन के स्पेलिंग याद करके लिखिए. पपैया, पपैया में क्या आता, पी के बाद क्या आता, पी के बाद क्या आता, वाई के बाद क्या आता लिखिए. गोवा यानी कि जाम, इसमें क्या आते, कौन से अल्फाबेट्स आते लिखिए. स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में क्या आते लिखिए. लेमन, लींबू, यहाँ पर कौन से हरूफ आते, कौन से अल्फाबेट्स आते लिखिए. कीवी, तुम तो कीवी देखे ही होंगे, आजकल बाज़ार में कीवी बहुत आ रहे हैं, कीवी के स्पेलिंग लिखिए यहाँ पर. वैसा ही सेकेंड एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर एक जुमला दिया यानी कि एक सेंटेंस दिया, वो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक दिया, एक वर्ड लिखना है यहाँ पर आप, तभी जाकर वो जुमला सही मानों से पूरा होगा. डैश आर अवेलेबल ओनली इन समर सीजन. तो यहाँ पर ये डैश में कौन सा आता लिखिए. नंबर 1, ऑरेंजेस, कोकोनट्स, मैंगोस, एप्पल. तो समर यानी के गर्मा में हम अक्सर कौन से फ्रूट्स खाते हैं, एक बार याद करके लिखिए कि हम ज़्यादातर मैंगोस खाते हैं, यानी कि यहाँ पर मैंगोस, मैंगोस लिखिए. मैंगोस को अगर हो सके तो यहाँ पर नंबर 3 कहकर नंबर लिखिए ब्रैकेट में, और ये मैंगोस यहाँ पर लिखना चाहिए. उसी तरह दूसरा, एन डैश ए डे कीप्स डॉक्टर अवे. ये ऐसा फल है खाने से डॉक्टर से हम दूर रहते हैं, यानी कि बीमार नहीं होते, नहीं जाते वहाँ पर ज़्यादा. कौन सा है, मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स. यहाँ पर एप्पल, एप्पल बहुत अच्छा है, रोज़ाना हो सके तो एक एप्पल खाना बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत सेहतमंद रहते हैं. फिर यहाँ पर हम एप्पल नंबर 3 पे है लिखिए, अगर हो सके तो यहाँ पर एप्पल कहकर लिखिए. नंबर 3, ए लॉन्ग येलो फ्रूट ए मंकी लव्स टू ईट. फलों में लांबा फल कौन सा होता है, एक बार याद कीजिए. एंड द कलर इज येल्लो, येल्लो कलर का रहता और लांबा रहता, याद आ गया. बनाना यानी कि माउस, जो बंदर को बहुत पसंद है. यहाँ पर बनाना, इस तरह से बनाना का नंबर कौन सा है, 2. यहाँ पर 2 लिखिए. ओके, नंबर 4, फ्रूट्स दैट कम इन बंचेस आर. क्या मतलब है इसका, ऐसे फल जो के बंचेस में रहते, यानी कि होशे, यानी कि बहुत ज़्यादा. एक बार सोचो, बहुत ज़्यादा एक ही गुच्छे, जिसको हम गुच्छा कहते हैं, कौन से रहते, मैंगोस तो एक ही रहते, ग्रेप्स रहते या ऑरेंज रहते या गोवा रहता, गोवा भी एक रहता, ऑरेंज भी एक रहता, लेकिन ग्रेप्स जो है से होशों में रहते, जो कि बंचेस कहते हैं यहाँ पर. ये ब्रैकेट में आप नंबर 2 ग्रेप्स कहकर लिखिए. उसके बाद ए फ्रूट रेड इन कलर इज डैश. लाल कलर में कौन सा रहता फ्रूट, गोवा, नहीं ये तो हरा होता, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो. सोचो लाल कौन सा रहता, एप्पल, एप्पल इज इन रेड कलर. यहाँ पर 3 लिखिए फिर से. द नेम ऑफ द फ्रूट एंड इट्स कलर इज सेम. देखिए जिस
कलर्स एक बार याद कीजिए, कौन से कलर्स है। उसमें एक कलर का नाम ऑरेंज है और एक ऑरेंज भी फ्रूट है। तो यहाँ पर ग्रीन दिया, रेड दिया, येल्लो दिया, लेकिन ये नामा ग्रीन फ्रूट्स के नेम्स नहीं है, रेड फ्रूट का नेम नहीं है, येल्लो नहीं है, लेकिन ऑरेंज फ्रूट का नेम है। इसीलिए हम यहाँ पर ऑरेंज दैट इज फ्रूट एंड द कलर आल्सो, यहाँ पर हम नंबर 3 लिखना। वैसा ही नंबर 7, द कलर ऑफ वाटरमेलन आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड बोले तो बाहर, इनसाइड बोले तो अंदर। ऐसा फल का रंग बताइए जो अंदर कैसा रहता, बाहर कैसा रहता, कैसे कलर, किस कलर का रहता। वाटरमेलन, पहले वाटरमेलन को सोचो एक बार, जो हम अक्सर गर्मा में खाते, वो किस कलर का, बाहर कौन से कलर का रहता, ग्रीन, अंदर व्हाइट रहता, नो, वाटरमेलन। तरबूज, खरबूज व्हाइट एंड येलो, नो, रेड एंड व्हाइट, नो, ग्रीन एंड रेड, एस, बाहर हरा रहता और अंदर लाल रहता। तो यहाँ पर ग्रीन एंड रेड नंबर 4 इस ब्रैकेट पर लिखिए। उस तरह 8 नंबर, द फ्रूट पिंक इन कलर इज, पिंक कलर में कौन से फ्रूट्स रहते एक बार सोचिए। गोवा, ये तो हरा होता, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी पिंक कलर में, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर में स्ट्रॉबेरी होते हैं, ग्रेप्स भी नहीं, पाइनएप्पल भी नहीं, इसलिए हम यहाँ स्ट्रॉबेरी को इस ब्रैकेट में नंबर 2 कहकर लिखिए। इस तरह से तुम्हें कलर्स और फ्रूट्स के नेम्स पता हो गए। ये वर्कशीट पूरी हो गई, आप लोग बैठकर वर्कशीट कीजिए और अपने अपने स्कूल में सबमिट कीजिए।